धमतरी में रामनवमी जुलूस के दौरान सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई, जहां जुलूस के दौरान अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर 22 वर्षीय युवक को लहूलुहान कर दिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार संबलपुर गांव का रहने वाला 22 वर्षीय सोनू नेताम अपना जन्मदिन मनाने और अपनी बहन से मिलने धमतरी पहुंचा था, जहां दोस्तों के साथ वह रामनवमी जुलूस में शामिल होने पहुँच गया, जहाँ चमेली चौक के पास हजारों की भीड़ में अज्ञात लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में सोनू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। सिटी कोतवाली ने पूरे मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। घटना रविवार रात की है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।